ये हमारे पास एक ड्रिंग है, ये 11 KV जो हमारा केबल होता है उसका नेटवर्क है पूरा, कि किस तरह उसने 11 KV केबल ज़मीन में बिछाया हुआ है और हर एक ट्रांसफार्मर को वो गया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मेन स्विचिंग स्टेशन है जिधर से ये 11 KV जो है बंद और ऑन होता है। तो ये 11 KV के केबल जा रहे हैं। ठीक है, हर एक फीडर का अलग अलग कलर्स है, जैसे इधर से एक केबल निकला हुआ है, ये केबल इधर से आया हुआ है इधर से। ठीक है, इधर ये फिर दो हुए हैं। ठीक है, इधर से ये इस तरह, इसके मैंने कोऑर्डिनेट भी शो किया हुआ है, और इसका है ये 3 कोर 300 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम का केबल 11 KV वाला। अच्छा, इधर से ये गया हुआ है इस डक्ट में क्रॉस करके ये इधर आया हुआ है। इधर एक सब स्टेशन है 500 KVA का। ठीक है, इसमें ये कनेक्ट होके RMU से दूसरा केबल निकल के वो सीधा आया हुआ है इधर इस सब स्टेशन में। इधर 3 सब स्टेशन है। ठीक है, पहले वाले में कनेक्ट हुआ है, फिर पहले वाले RMU से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में, तीसरे से फिर एक केबल निकला हुआ है ये वाला, ये आया हुआ है इस दो में। ठीक है, 1500 के दो लगे हुए हैं, इसमें लगा हुआ है इधर से निकल के इसमें, और फिर इधर से निकल के ये जो केबल सीधा सब स्टेशन में वापस गया हुआ है। ठीक है, ये तो इसको रिंग बोलते हैं, इधर से निकल के वापस इधर आ जाता है, ये रिंग होता है। ठीक है, सेम इस तरह ये ग्रीन वाला भी इस तरह गया हुआ है आगे जो सब स्टेशन होगा। ठीक है, ये 11 KV केबल गए हुए हैं। ठीक है, ये जिधर रोड क्रॉसिंग होगा या कुछ होगा उधर ये ऐसा डक्ट बनाना है। ठीक है, 60 मीटर का डक्ट है कंक्रीट का। ये देखो, ये इधर आया हुआ है, ये सब स्टेशन में कनेक्ट हुआ है, इसमें 3 सब स्टेशन है, 3 ट्रांसफार्मर है, उसमें से गुजर के फिर इधर आया हुआ है। ठीक है, ये इधर इधर आके इधर ये 2 सब स्टेशन है, इधर से फिर वापस के सीधा सब स्टेशन में गया हुआ है। ये एक दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग जो है ये वाला है, ये इधर से आके इसमें आया हुआ है, इधर एक सब स्टेशन है, इधर से फिर निकल के इधर आया हुआ है, इधर 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसमें से गुजर के वापस सीधा सब स्टेशन में गया हुआ है, ये तीसरे रिंग, तीन रिंग हो गए। ठीक है, चाहिए उसका इस डी है। ठीक है, इसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। अब ये देखो, ये पहले वाले निकले हुए 500 वाले ट्रांसफार्मर में सब स्टेशन में गया हुआ है, ये इधर ये RMU रिंग मेन यूनिट, इधर से ये आना पड़ता है। ठीक है, इसकी बिजली। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर को स्विच लगाते हैं, मतलब ये ट्रांसफार्मर का एक स्विचिंग है 11 KV का। ठीक है, इधर से अगर इस ट्रांसफार्मर में कोई काम करना हो तो इधर से ये 250 का जो आइसोलेटर है, इधर से ये बंद करके इस ट्रांसफार्मर में काम कर सकते हो। ये बाकी जो आपके ट्रांसफार्मर होंगे वो चलते होंगे। ठीक है, ये पूरा रिंग है। रिंग क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसमें लोड कम हो जाता है, अगर रिंग नहीं करोगे तो सारा लोड इस केबल पर आएगा। तो जब ये दोनों साइड से रिंग हो जाता है तो ये फिर जो है इसका लोड डिवाइड हो जाता है, अगर 100 एम्पेयर है तो आधा 50 इस पर हो जाता है, 50 इस केबल पर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी ये देखो 3 कोर 300 एलुमिनियम केबल है, SW XLP SW है, PVC। ठीक है, ये केबल के नंबर है, PIDER 1 है, PIDER 2, PIDER 3, इधर भी अगर आप देखो तो PIDER 6, PIDER 5, PIDER 4। ठीक है, तो ये पूरा एक रिंग हो गया। ठीक है, और ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसमें ये जो मैंने आपको बताया था इस P2 में गया हुआ है। ठीक है, इधर से फिर इस तीनों में आके फिर इधर से निकल के उधर ऊपर गया हुआ है। ठीक है, वापस स्विचिंग स्टेशन में गया हुआ है। ये तीसरा रिंग है, मैंने आपको प्लान में भी बताया, इधर से ये आके फिर जो सब स्टेशन होता है उसके अंदर एक लूप डालते हैं RMU से RMU, और उधर से फिर एक केबल निकल के दूसरे में, दूसरे से फिर तीसरे में, ये देखो इधर से फिर वापस सब स्टेशन में। अच्छा, अगर मैं अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, ये हमारे पास एक सब स्टेशन है जो केम के लिए 500 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, 11 KV कन्वर्ट
करता है टू इलेवन स्लैश 0.4 केवी वोल्ट किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये 500 का केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसको ये आरएमयू लगा हुआ है, रिंग मैन्यूअल। आरएमयू का मतलब है रिंग मैन्यूअल। ठीक है, इसका मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इसमें ये दो 630 के आइसोलेट लगे हुए हैं। ठीक है, ये बस बार के थ्रू इधर से कनेक्ट हुआ है और फिर इधर से 250 ट्रांसफार्मर साइड पे जो केबल जा रही है 3.95 का, उसको ये 250 का आइसोलेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर से इसका आना पड़ता है। और अगर आपने इस साइड की पूरी बिजली बंद करनी है तो आप इस 630 वाले से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है ये आरएमयू का है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इधर से फिर केबल निकल के 3.95 का हो जाकर ट्रांसफार्मर में, यह सिंबल ट्रांसफार्मर का है। ठीक, ट्रांसफार्मर से फिर आगे जाके MDB वगैरह में LV पैनल में लग जाती है केबल। ठीक है, तो ये आरएमयू के बारे में डिटेल्स थी। और ये 11 KV केबल का नेटवर्क है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है ओवरहेड लाइन के थ्रू वो करते हैं पूरा नेटवर्क। और इस आरएमयू की जगह उधर ड्रॉप ऑफ फ्यूज़ लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लाइन मैन जो है उसको ट्रांसफार्मर और लकड़ी के साथ उसको नीचे कर देते हैं तो बिजली बंद हो जाती है 3 लाइन का। इधर UAE में जो है ये वाला चीज़ RMU यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था वीडियो। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।